जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सुरेंद्र बबली मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। फिलहाल हम मौजूद हैं हिसार के बीडीपीओ ब्लॉक के बाहर। लगातार हरियाणा भर में सरपंचों का विरोध अपने चरम पर पहुंच चुका है। हाल ही में कल टोहाना के अंदर एक महापंचायत की गई, जिसमें पूरे हरियाणा भर के सरपंचों ने शिरकत की और एक बड़ा फैसला लिया कि अपने अपने लेवल पर पूरे हरियाणा के सरपंच जो हैं बीडीओ कार्यालय के बाहर ताला जड़ेंगे। उसी क्रम में आज हिसार खंड एक और खंड दो के जितने भी सरपंच हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और बीडीपीओ ब्लॉक को जो है ताला लगा दिया गया है और यहाँ पर जो है पक्के धरने पर बैठ चुके हैं। गद्दे आ चुके हैं, हुक्के आ चुके हैं और लगातार जो सरपंचों की जो भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जो मुद्दा कई दिनों से चल रहा है कि ई टेंडरिंग का विरोध और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का विरोध सरपंचों के द्वारा लगातार किया जा रहा है, तो यह विरोध कहाँ तक पहुँचेगा? मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ और जनता ने हमें सेवा के लिए चुना है। मैं सभी चुने प्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो पारदर्शिता के लिए सरकार काम करना चाहती है उसमें आप सरकार का सहयोग करें और अपने अपने गांव के डेवलपमेंट में सरकार का साथ दें और ग्रामवासियों को अपने साथ जोड़कर गांव के विकास को आगे बढ़ाएं। जो आज एक गलत फहमी में जिसको कह सकता हूँ कि कुछ लोग भ्रमित करके हमारे शुभचिंतक हमारे चुने प्रतिनिधियों में फैला रहे हैं, मैं अनुरोध करना चाहूँगा सभी से कि एक बार आप जो ये मैनुअल काम था इसको सिर्फ हम सॉफ्टवेयर में लेके जा रहे हैं, जिससे हमारे काम में गुणवत्ता भी आएगी और काम की अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी। और जो पहले जब हम जनसंवाद के लिए हरियाणा प्रदेश के जिलावार सरपंचों से मिलने गए, वहाँ जो सुझाव आए हमने उस सुझाव को अमेंडमेंट करके जो उनके सुझाव गांव के हित के लिए थे, प्रदेश को प्रगति पर ले जाने वाले थे, उनको हमने जोड़ने का काम किया है। 7 दिन में अब टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी और इससे पैसे का जो दुरुपयोग होता था वो रुकेगा। आम जनमानस टेंडरिंग प्रोसेस के माध्यम से ऑनलाइन इसको चेक कर सकता है और हम हर जगह पर बोर्ड लगाकर उसका डिटेल देने का काम करेंगे ताकि हर गांववासी, क्योंकि ये पैसा हमारी हरियाणा प्रदेश की जनता का है जिसका हिसाब वो मांग सकते हैं और जनसेवकों की बनती है, अधिकारियों की ड्यूटी बनती है, हम उसको देने का काम करेंगे। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक बार आप सरकार के साथ जुड़ के अपने गांव के विकास में के भागीदार बने और सरकार का साथ दें और अपने गांव को आगे ले जाने में गांव वासियों का साथ लेते हुए गांव को आगे बढ़ाए। गांव का विकास गली नाले तक हमने नहीं रुकने देना है, हमने गांव के विकास को आगे लेके जाना है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हमारे युवाओं के लिए हमने जिम बनाकर देने हो, लाइब्रेरी देनी हो, पार्क देने हो और बहुत सी ऐसी जो डिमांड्स गांव की तरफ से अब आई हैं कि जो गांव को शहरीकरण की तरफ ले जाएंगी, उनमें हम सबका योगदान जो प्रतिनिधि हैं उनका सबका बनता है। एक बार मैं पुनः सबसे ये अपील भी करना चाहूँगा और ख़ासतौर से हरियाणा प्रदेश वासियों से अपील करना चाहूँगा कि आप भी एक बार अपने गाँव की जो डिवेलपमेंट होती है उसमें अपनी जिम्मेवारी एक आम नागरिक के नाते निभाना शुरू करें। और प्रतिनिधियों से मेरा अनुरोध है, भाई काम पे लगो, आगे बढ़ाओ, प्रदेश प्रगति में जाएगा, हमारा गांव आगे बढ़ेगा, तभी हमारा प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। और जो हमारी सबकी ड्यूटी बनती है कि लोकतंत्र का सच्चा सार सत्ता का विकेंद्रीकरण है। धन्यवाद।